मोटर की कॉस्ट इसमें है 4-5 लाख की। तो सर्विस ऐसे समझो जैसे कि लोकल मैकेनिक कर रहे हो, जैसे कि रोड साइड ठोकने लगे रहते हैं ना, इसमें सारे तार आपको बाहर दिखते हैं। अगर किसी की ईवी का काटना हो ना, यहीं से काट दो, चार्ज ही नहीं होगी। 440 वोल्ट का झटका भी लगेगा इसमें, बैटरी 440 वोल्ट पे चलती है। इसमें मतलब एक टॉफी भी थी ना, वो भी निकाल ली उन्होंने। मैट भी अगर महंगे ना तो मैट भी ले जाओ यार, मैट कौन निकाल के ले जाएगा, मैं गले में लटका के ले जाऊंगा मैट। मतलब ऐसा लग रहा था जैसे सर्वेयर के घर से पैसे जा रहे हो इसको ठीक कराने में। अब रबिंग कई जगह इतनी अच्छे से कर दी कि रबिंग का वो जो काला वो सफेद सफेद सा होता है ना, वो छूट ही नहीं रहा। सेंटर गया उसी दिन मेरा दिमाग खराब होगा। वहाँ पे जाकर एलईडी लाइट तक निकलवा ली उन्होंने मेरी, कि हमारे यहाँ से चोरी हो गई तो हमारी जिम्मेदारी। टाटा ने क्या सर्विस सेंटर में चोरी भर रखे हैं क्या? हेलो भाई, मैं ध्रुव पवार, आज हमारे साथ जुड़ी हुई है भाई नेक्सॉन ईवी, और इसके मालिक भी आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ध्रुव भाई आ जाओ भाई। क्या हाल चाल है? बढ़िया ध्रुव भाई, उसका हमने बताया था एमजी जेड एस ईवी इनके पास है, जो इन्होंने 90,000 किलोमीटर चलाई है, उसका एक्सपीरियंस शेयर किया था। इनको ईवी इतनी भा चुकी है कि इन्होंने नेक्सॉन टाटा की नेक्सॉन ईवी भी ले ली। भाई एक और जेड एस ईवी ले लेते इससे अच्छा। भाई जेड एस ईवी थोड़ी एक्सपेंसिव पड़ रही थी, एक छोटी में चाहिए थी, ये कॉम्पैक्ट सी है और इसमें सब्सिडी भी मिल रही थी उस टाइम पे, तो यही ले ली। फिर कितने की पड़ी टाटा आपको ये भाई? वैसे तो मतलब उस टाइम पे 20 लाख की आ रही थी, 1 लाख तो शोरूम वालों ने डिस्काउंट दिया। हाँ। 1890 की पड़ी। हाँ। और फिर प्लस में उसमें 2,62,000 की सब्सिडी आई सरकार से एक, और फिर एक आएगी 1,10,000 की सब्सिडी, मतलब 4.25 लाख रुपए की सब्सिडी मेरे को इसमें आई है, 3,70,000 के आसपास। तो कब लिया आपने ये? ये मैंने मार्च में लिया है, अभी 2023 में। 2023 में अब भी आ रही है हरियाणा में सब्सिडी मिलती है? सब्सिडी 1,000 गाड़ियों पे थी जो खत्म हो गई थी हरियाणा में जब आई थी स्कीम, तो बस केवल 1,000 गाड़ियों पे थी, अब खत्म हो चुकी है। आप तो बहुत लकी हो भाई, जो 1,000 गाड़ियों में ले ली थी मैंने, और अभी लग्जरी 1,000 गाड़ियां बच रही है। लग्जरी जो 40 लाख से ऊपर वाली 1,000 गाड़ियां है ना, उसमें 10 लाख तक की सब्सिडी है, वो बच रही है अभी, अगर किसी को लेनी है तो वो वाली ले सकते हैं। अच्छा जी, खट्टर सरकार इतनी अच्छी है। पर ये सब्सिडी आई थी पिछले दिवाली पे, अभी तक भी इसका पैसा आना बाकी है, कुछ आ चुका है, कुछ बाकी है, मतलब बहुत धीरे धीरे चल रही है सरकार, मतलब थोड़ी ढिल्ली है सरकार। हाँ। तो भाई ऐसे सब्सिडी करके तो फिर तो आपको बहुत मंदी पड़ गई है, 1500 के लगभग। हाँ, बहुत सस्ती पड़ गई। अब अगर किसी को अभी लेनी है ना, तो अभी नया मॉडल आ चुका है इसका नेक्सॉन ईवी का। हाँ। और पुराना मॉडल भी शोरूम्स के पास खड़ा है, और वो 2-2.5 लाख रुपए उसमें डिस्काउंट दे रहे हैं पुराने मॉडल पे। यार वेटिंग वगैरह नहीं है इनके ऊपर, कुछ ऐसी मिल रही है इस पे? नहीं है, टाटा का स्टॉक बहुत कर लिया है टाटा ने, टाटा महिंद्रा की तरह नहीं वेटिंग बना बना के और हर महीने 50,000 बढ़ा दिए। टाटा के पास स्टॉक है, टाटा तुरंत गाड़ी दे देता है। पहले था बीच में जो दिक्कत आई थी चिप वाली, पर महिंद्रा को तो अभी तक चिप वाली दिक्कत खत्म ही नहीं हुई है। तो ये कौन सा वेरियंट है भाई? ये भाई टॉप से एक नीचे एग्जैक्ट प्लस है, ये मैक्स है ना अपनी? मैक्स है ये, ईवी मैक्स है भाई, जो मतलब इससे ऊपर बैटरी रेंज में कुछ भी नहीं है ना। मैक्स और नॉर्मल वाली का ये पहचान है कि इसमें ग्रे कलर की छत आती है, व्हाइट कलर की छत आती है नॉर्मल वाली। यार जो बंदा इतना पैसा लगा रहा है उसको थोड़ा कुछ और चेंज होना चाहिए, आप क्या कहते हो? ये नॉर्मल वाली है, चेंज अंदर इंटीरियर में है, जैसे इसका डायल वैसा दे दिया, थोड़ा इलेक्ट्रॉनिक वाला, चारों डिस्क ब्रेक दे दी, तो ये छोटी मोटी चेंजेस तो है इसमें। नहीं बाहर से तो लगना चाहिए ना कुछ की। हाँ भाई बाहर कुछ से बस ये ग्रे छत का ही पता चलता है ज्यादा, तो ये थोड़ा डार्क है कलर। अब ये और बताओ मैक्स में और नॉर्मल में क्या डिफरेंस है? मैक्स और नॉर्मल में, मैक्स में आती है 30 किलोवाट आवर की बैटरी, इसमें आती है 40 किलोवाट आवर की बैटरी, मतलब ये लगा लो मोटा मोटा 40 किलोमीटर के आसपास का फर्क पड़ता है, ये 40 किलोमीटर ज्यादा चलती है। कंपनी क्लेम करती है 462, पर ये रियल लाइफ में चलती है 250 किलोमीटर। 250 टियागो ही चल लेती है भाई। टियागो यार देख, ऐसे अगर टियागो की तरह इसे चलाएंगे तो 350-400 चल जाएगी। अच्छा आप वैसे बता रहा हूँ जैसे आप और मैं चलाते हैं, 250 किलोमीटर चलेगी एकदम खींच के, बिल्कुल डीजल की तरह। 140 पे दबा के चलाते हैं, 250 के आसपास चलती है, 250 चल जाते हैं, 419 की रेंज में दिल्ली एनसीआर गुड़गांव कहीं भी चला लो 350-400 तक चलती है। यार ऐसा क्या मन आ रखा है आपका ईवी पे बताओ? जेड एस ईवी के बाद फिर से चला के देखी नहीं थी?
पूरे में धुआं उठ गए थे। तो वही है, इसमें पिकअप विकअप इतना बढ़िया होता है और मतलब चलाने में साउंड नहीं है, खर्चा नहीं है। आप अपना चार्ज करिए, पूरे एनसीआर में मैं पूरे दिन भी घूमूंगा ना, तब भी खत्म नहीं होगी। आप कह रहे थे कि शॉपिंग करने अगर जाओ दिल्ली तो मेट्रो से चले जाओ, मेट्रो से क्यों जाओ, जो मेरे को सस्ती पड़ती है मेट्रो से भी। भाई का बिहार आया भाई, महीने बाद तो शॉपिंग में भी यही चला रहे हैं दबा के इसको दिल्ली में, नहीं तो दिल्ली में ऐसे ट्रैफिक में तो मन ही ना करे ऐसे गाड़ी ले जाने का। और भाई अपनी इसी ईवी को लेके चलते हैं। यार एक बार बताओ ध्रुव भाई, इस गाड़ी के भीतर देखना, ये यहाँ पाइप वाइप से ऐसे उजागर दिखते हैं यार एकदम क्लियर। ये थोड़ा टाटा का है, जैसे लाइन ऊंची नीची होती है, थोड़ा जो पैनल गैप होते हैं वो ज्यादा मिलते हैं, लाइन ये तार दिख रही हैं। हाँ। और कई लोगों की तो ये भी शिकायत आई है उनकी एबीएस की या एयरबैग वाली तार कट गई क्योंकि वो इतनी भार है, चूहा हुआ काट देता है, जैसे नहीं चली तो चूहा घुस गया, चूहे ने काट दी। तो ये वाली कंप्लेंट है टाटा में, मतलब टाटा पैक नहीं करके देता। आपने देखा होगा ZSEV में एक भी तार नहीं दिखता कहीं। हाँ, बिल्कुल, इसमें सारे तार आपको बाहर दिखते हैं। अगर किसी की ईवी का काटना हो ना, यहीं से काट दो, चार्ज ही नहीं होगी यहीं से। अगर यही है मेन, इसकी तार ही यही है, यहीं से मेन। हाँ। उड़ा दो एक तार को, कोई हीटर होगा तो कैंची से रात को। हाँ, कैंची से तो खैर नहीं है, बहुत मोटी वाली है। अब कुछ किसी और जो उड़ाने आएगा 440 वोल्ट का झटका भी लगेगा। इसमें बैटरी 440 वोल्ट पे चलती है, तो 440 वोल्ट का झटके का मतलब है कि आपके स्वाहा हो जाओगे आप। सच में 440 440 वोल्ट है, इसमें दिखा दूंगा मीटर पे आपको। भाई तो मार देगी यार, इसलिए कभी भी ईवी का एक्सीडेंट होता है ना, तो इसलिए तुरंत ईवी बंद हो जाती है, बैटरी से कनेक्शन कट जाते हैं, कहीं भी आग नहीं लगेगी। ताकि भाई आज इसी बारे में हम मेन बात करने वाले हैं। ये वीडियो बनाने का मेन यही है कि आपको आज नॉलेज दी जाए कि अगर ईवी का एक्सीडेंट हो, क्योंकि अभी ये भाई आई है टाटा से। हाँ। बन गई गाड़ी, इसका एक महीने पहले एक्सीडेंट हुआ था। इसका एक डेढ़ महीने पहले अगस्त में एक्सीडेंट हुआ था और एक महीने तक ये टाटा में रही थी। आगे से पूरी खत्म हो गई थी, नहीं खत्म तो पूरी नहीं हुई थी, बस इसका ये लाइट फेंडर बोनट ये सारी चीजें लगी थी, पर ये टाटा ने पूरी खोल दी थी अंदर से, क्योंकि इसकी वायरिंग कट गई थी। एक वायरिंग छोटी सी होती है यहाँ पे, वो कट गई थी। उस वायरिंग को डालने के लिए इन्होंने इसका मोटर वोटर सब खोल के पूरा खोल दिया था, आगे से दरवाजे तक भी खुल गए थे। तो जैसे ईवी का एक्सीडेंट हुआ तो लोगों को कहना होता है भाई आग लगती है ईवी में बहुत जल्दी, करंट लगने जाए, क्या पता क्या होता है, मतलब इनका एक्सीडेंट हो जाए तो क्या होता है। अगर इसका एक्सीडेंट जो हुआ था वो इतना मेजर तो नहीं था, गाड़ी चलने की हालत में थी, पर गाड़ी बंद हो गई थी, इसका बैटरी से कनेक्शन हट जाता है। जैसे ही इसमें कहीं भी एक्सीडेंट ज्यादा मेजर होगा ना आपको, मतलब थोड़ा सा भी ज्यादा लगेगी तो बैटरी से कनेक्शन आपका कट जाएगा, आपकी गाड़ी चलेगी नहीं, तो आग लगने का कोई खतरा नहीं। इसको कैसे पता चलता है भाई कि हाँ एक्सीडेंट हो गया है? इसमें एक्सीडेंट हुआ, मैं नहीं चला रहा था उस टाइम पे। हाँ। मैं घर पे था, मेरा फोन बजने लगा एक्सीडेंट होते ही। हाँ? जो इसकी एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन में अलार्म बजने लगा कि आपकी गाड़ी एक्सीडेंट हो चुकी है। ये बोनट कैसे खुलेगा? ये बोनट ही नहीं खुल रहा इसका, तो चाबी चाहिए क्या भाई इसको? नहीं नहीं चाबी नहीं, यहाँ पे है इसका बोनट का, देखना कैसे खुलेगा। टाटा वालों ने क्या कर दिया? हाँ ये बन के आई है ना, तो हो सकता है कुछ कमी रह गई है उसमें, मैंने उसके बाद ये खोला भी नहीं है। तो खुल ही नहीं रहा। टाटा की सर्विस के बारे में बात करेंगे मेन भाई, नहीं खुल रहा ना ये, नहीं खुल रहा भाई, एक करवाना पड़ेगा भाई। हाँ वही तो, बिल्कुल टक टक कुछ कर ही नहीं रहा है। नहीं पर जब आई थी उसके बाद तो मैंने खोला था, जब तो खुल गया था। ये दिखाना पड़ेगा ये, पर आप देख सकते हो थोड़ा टाटा करता है हल्की बुल्की चीजें, तो नहीं खुल रहा ना, नहीं खुल रहा। तो ये मतलब अपने आप वो कनेक्शन हट जाता है, कनेक्शन हट जाता है इसका, फिर स्टार्ट नहीं होती गाड़ी, फिर इनको इसको लेके जाना पड़ता है, कोई पड़ता है तुरंत। उसमें कॉल कर दिया था RSA पे, एक डेढ़ घंटे के अंदर वो आ गए थे, ले गए थे अपना यहाँ पे ले आए। तो अब इसमें जैसे मान लो कि मेजर एक्सीडेंट हो जाए इसकी, ये जो मोटर वोटर होती है सामने की, ये भटक जाए या कुछ भी हो जाए, तो क्या करते हैं भाई वो लोग? मोटर दूसरी नहीं लगती है इसमें, ऐसा नहीं है जैसे घर की मोटर खराब होगी तो उसे बांध देते हैं, ये मोटर नहीं बनती है। बांधने का मतलब ठीक करना, हमारी लोकल लैंग्वेज में बांधना कहते हैं। ये बनती नहीं है, तो एक बार अगर खुल गई मोटर तो ये नहीं लगती है। मोटर की कॉस्ट इसमें है 4-5 लाख की, तो वो इंश्योरेंस कंपनी के ऊपर फटका लगता है इसका 4-5 लाख। इसलिए ईवी गाड़ी का तो इंश्योरेंस कभी टूटने ही नहीं देना कि 2-4 दिन बाद करा लेंगे। ईवी का तो इंश्योरेंस पहली करा, इसका इंश्योरेंस महंगा रहता है क्या नॉर्मल वालियों से? नॉर्मल वही सेम रेट रहता है, सेम बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं, कोई वो नहीं, बिल्कुल सेम रहता है। ऐसी मोटर वोटर डगमगा जाए, इतनी वायरिंग पे चलता है इसका सारा खेल यार। आपको अगर ये खुल जाता मैं दिखाता, छोटी सी मोटर है साइमंस की। हाँ। और अच्छी है, मतलब पावरफुल मोटर है, ऐसे नहीं है, अगर खुल जाएगी तो वो कंपनी देगी। ऐसे बोलते हैं टाटा की सर्विस जो इनकी IC गाड़ी है उनके लिए इतनी बदनाम है कि भाई उनमें वो ही नहीं बन पाती उन लोगों पे। आपने देखा होगा टाटा की गाड़ी इतनी बढ़िया आ रही है इस टाइम पे, हैरियर, सफारी, नेक्सॉन ईवी, इतनी लग्जरी आ रही, सर्विस ऐसे समझो जैसे कि लोकल मैकेनिक कर रहे हो। जैसे कि रोड साइड ठोकने लगे रहते हैं ना, ऐसे सर्विस मिलती है इसकी टाटा की। ये भी सिर्फ बोनट बम्पर और लाइट फेंडर एक महीना लगा दिए, जबकि मैं रोज जाता था तब जाके एक महीना लगाया, नहीं तो 2 महीने से पहले मुझे मिलती नहीं गाड़ी, इतनी बुरी सर्विस थी। एक महीना लगा दिया, वहां जाके उसके मैनेजर से जब मैंने थोड़ा गर्म हुआ, जब जाके उन्होंने काम शुरू करवाया,
वो क्या करते हैं कि चलो काम चलता रहेगा, गाड़ी खड़ी होगी बॉडी शॉप में, बॉडी शॉप बहुत बड़ी है, गाड़ियां बहुत सारी है, काम करने वाले वही 8-10 लोग। वो आलस मार जाते हैं कि यार चल कल खोलेंगे, आज नहीं खोल रहे, चल परसों खोलेंगे, आज नहीं खोल रहे। कभी कुछ छड़छड़ा जाए हम पे, खामा खाएंगे कुछ और। अब बना देते पर आता है उन पे बनाना बनाना ये? हाँ सारी चीज बना देते हैं। वैसे जब ये बनाई थी तो उन्होंने कहा हमने पहली गाड़ी का इंजन ये मोटर निकाली है। हाँ। और मैं तो घबरा गया था क्योंकि इसका आगे से सारी ये खाली कर दी थी गाड़ी। तो खाली करने के बाद मतलब ये एक तरह से इंजन निकाल लिया। अब डीजल पेट्रोल गाड़ी का जब इंजन निकलता है तो वो गाड़ी कभी भी सही नहीं चलती उसके बाद, एक्सीडेंट के बाद वो मेजर एक्सीडेंट में आ जाती है। पर इसकी जब मोटर निकाली वो दोबारा वापस लगाई तो वैसी चलने लगी, सेम जैसी नई थी। मतलब इसमें इतना सा भी फर्क नहीं आया मुझे। होने के बाद मैं 6000 किलोमीटर चला चुका हूँ इसे एक 1.5 महीने के अंदर। तो ये अभी इन टोटल आपने कितनी चला दी भाई? ये भाई मैंने चला दी 16000 कंप्लीट हुए इसके आज ही। अच्छा, ये इतनी नहीं चल रही है, वही वो 90000 चलाई थी। एक महीने तो खड़ी रही थी, नहीं तो हो जाते इसके 21-22 हजार। ये क्या लटका रखा है भाई आपने इतना? ये तो भाई आपको पता ही है सबसे प्यारी परफ्यूम फ्रेग्रेंस इसमें मिलेगी आपको। यार महंग एक नंबर है भाई इनवॉल्व का। कौन सा वाला यूज कर रहे हो दिखाओ ना एक बार। मैं तो यही वाला अपना रेन फॉरेस्ट वाला। कभी भी बैठो आप और दो स्प्रे इसमें मार दो और 3-4 दिन तक भूल जाओ, गाड़ी में अपना खुशबू बनी रहेगी। और ये कम से कम चल जाता है 6-7 महीने। आप कहते हो ना 40 दिन चलता है, आपने मुझे याद हो तो स्कॉर्पियो में दिया था, वो मेरा 1 साल चला था। रोज छिड़कते हो आप? रोज नहीं छिड़कता, इसे रोज छिड़कने की जरूरत ही नहीं। 2-3 दिन तक इसकी इतनी अच्छी फ्रेग्रेंस बनी रहती है, रोज नहीं छिड़कने की जरूरत पड़ती। मैं गाड़ी ली थी तब से देखो आधी भी बोतल नहीं हुई है अभी तक। ये देखो भाई तब से लटका हुआ है भाई, इसको यूज किया करो अपनी गाड़ी में, मस्त है। लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहां से आप ऑर्डर कर सकते हो। तो बस इसमें ये डिफरेंस है कि इसके अंदर ये डायल अलग है। हां ये डायल अलग है, पर ये डायल किसी काम का है नहीं, मतलब बढ़िया नहीं है डायल। कैसे भाई, क्यों, क्या दिक्कत है? ये अगर आप ट्रैफिक में ना, कई बार ऐसा होता है कि हमें जल्दी से फ्रंट करनी है, रिवर्स करनी है, ये इसका रिस्पॉन्स ही बहुत स्लो है। रिस्पॉन्स बहुत ज्यादा स्लो है इसका, और कई बार तो चेंज भी नहीं होता, कई बार हो जाता है इसका चेंज ही नहीं हो रहा। अब जैसे कई बार हमें ट्रैफिक में यू टर्न लेना है या कुछ भी मोड नहीं है गाड़ी, तो कई बार मोड़ते हैं रिवर्स पे ही नहीं आता। तो देख के जब करोगे ना, एक एक करके घुमाओगे जब आता है, अब वो वाली फील नहीं है कि अपना आंख उधर रख के और अपने इससे कर लो। जैसे वो सेल्टोस में आदत होगी आर पे डाला, सेल्टोस में या MGZSEV का तो तुरंत कैसे घुमा लो, ये नहीं घूमता इसे। अच्छा अब बताओ ZSEV या फिर ये प्राइस और उस सबको यूज करते हो? प्राइस के हिसाब से अगर ये मुझे पड़ेगी सब्सिडी आने के बाद 15.5 लाख के आसपास, 15.5 लाख में ही बेस्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि इसमें बहुत सारी कमी है, ये देखो ये आप क्वालिटी देखोगे ना इसकी, बिल्कुल मारुति की बराबर क्वालिटी दे रखी है इनकी। हाँ यार बिल्कुल वो फील ही नहीं है घुमाने में। पंच एल्ट्रोज मतलब टाटा की सबसे सस्ती गाड़ी में भी यही स्टेयरिंग है, यही ORVM है, यही ऐसा दे रखा है, यही इसमें दे रखा है 15.5 लाख में। तो पार्ट शेयरिंग बहुत कर रखी है टाटा ने, यही सारा म्यूजिक सिस्टम वगैरह ही दे रखा है। पर 15 लाख के हिसाब से अगर ईवी में जाओ, क्योंकि ये नेक्सॉन अगर डीजल में लेते तो भी 15.5 का टॉप मॉडल, 15.5-16 का, तो उसके हिसाब से ईवी बेस्ट है। मतलब मेरे को पेट्रोल डीजल के रेट पे पड़ गई है। अच्छा ये इसमें फास्ट चार्जर वगैरह का क्या हिसाब है कि ये कितनी देर में चार्ज होती है? ये भी उतनी देर में चार्ज होती है जितने MGZ। देखो मैं आपको एक चीज बता दूं, जो फास्ट चार्जर है ना, गाड़ी कोई सी भी हो, नेक्सॉन ईवी हो चाहे आपकी मर्सिडीज हो एस क्लास वाली, जिसमें 100 किलोवाट की बैटरी आती है, उसमें 40 किलोवाट की बैटरी, टाइम उतना ही लेती है। क्योंकि ये 30 किलोवाट से चार्ज होगी, आप कितने बड़ा चार्जर लगा लो 30 किलोवाट ही लेगी। जैसे नोकिया के छोटे फोन में बड़ा चार्जर लगा दोगे तो जल्दी चार्ज नहीं होगा, वो टाइम उतना ही लेगा। और वो फास्ट लेती है, वो 60-60 किलोवाट एक साथ ले जाती है तो वो जल्दी चार्ज हो जाती है। 3 पिन वाला होता है उसका क्या हिसाब? 3 पिन वाला होता है ये ओवरनाइट में कर देता है, ये MG से बढ़िया है इसका 3 पिन वाला। MG का 1.5 किलोवाट का, इसका 3.3 किलोवाट का है, ओवरनाइट कर देता है, मतलब 14-15 घंटे में ही पूरा चार्ज कर देता है 0 से 100 तक, उसमें 25-26 घंटे लगते हैं। तो जैसे एक्सीडेंट हुआ तो अंदर ये सब कुछ भी बंद हो जाता होगा? हाँ, नहीं ये म्यूजिक सिस्टम चल रहा था। हाँ। बाकी ये गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी, न्यूट्रल और पार्किंग पे आ रही थी, बाकी स्टार्ट रिवर्स और ड्राइव पे नहीं जा रही थी। चलेगी नहीं, बाकी सब कुछ हो रहा था, नहीं बाकी न्यूट्रल हो गई थी कि आप ट्रक पे चढ़ा के चले जाओ। यार बड़ी स्मार्ट होती है, मतलब हाँ मतलब कहीं भी एक्सीडेंट हो आपको आग नहीं लगेगी। इलेक्ट्रॉनिक पावर ब्रेक आ गई, उसमें इलेक्ट्रॉनिक पावर ब्रेक नहीं आती थी, इसमें रीजनरेशन मोड आ गए। सर्विसिंग की आपको मैं मेजर बताता हूँ, 2 ही सर्विस स्टेशन है फरीदाबाद में। पहले वाले सर्विस स्टेशन पे जब मैंने इसकी 1000 में जो सर्विस होती है उसमें भेजा, इसमें मतलब एक टॉफी भी थी ना वो भी निकाल ली उन्होंने, पेन वेन कुछ नहीं बचा इस गाड़ी में, सब निकाल लिया, मतलब एक तरह से चोरी कर लिया। अच्छा मैं सेल्टोस में इतना सामान भर के जाता है वो एज इट इज वापस आ जाता है, कोई नहीं निकालता, इसमें से सब कुछ निकाल लिया। फिर उसके बाद जब मेरी गाड़ी एक्सीडेंट हुई, मैं जब उसे छोड़ने गया गाड़ी को बॉडी शॉप में, उन्होंने कहा कि सर सब कुछ निकाल लो, एक भी चीज मत छोड़ना, नहीं तो हमारी जिम्मेदारी नहीं है। मैट भी अगर महंगे ना तो मैट भी ले जाओ। यार मैट कौन निकाल के ले जाएगा, मैं गले में लटका के ले जाऊंगा मैट? मतलब LED लाइट, एक साइड की तो लाइट टूट गई थी, दूसरी की टूटी नहीं थी, तो LED लगवा रखी मैंने इसमें, LED लाइट तक निकलवा ली उन्होंने मेरी, की हमारे यहाँ से चोरी होगी तो हमारी जिम्मेदारी। टाटा ने क्या सर्विस सेंटर में चोरी भर रखे हैं क्या सारे? तो ये चीज है, मतलब एक एक चीज, ये तो बहुत कुछ निकलवा, इतना गंदा एक्सपीरियंस।
वही भाई यार, इतनी बढ़िया हैरियर सफारी बना बहुत रहे हैं। बड़े हैं, मतलब मैन पावर भी है, पर पता नहीं वो फील नहीं है जो एक आप गाड़ी बना रहे टेक्नोलॉजी वाली, वो चीज नहीं है अभी। हाँ यार, आप ये सफारी तो ले तो लोगे, आप हैरियर ले तो लोगे, बहुत अच्छा टाटा का लोगो जलता है, ये है वो है, पर आप सर्विस तो उन्हीं जगह पे कराओगे जहाँ इंडिया के टाइम पे होती थी ना, जैसे आपको ठोकने की आवाज आती रहती है वहाँ भी। अच्छा, तो ऐसा काम चलता है भाई यार, ये तो यार ट्रस्ट पे छोड़ रहे हैं हम गाड़ी को, हमारी हाँ। गाड़ी में से क्या चुर जाए यार। यार आप सोचो, पेन मेरा एक थोड़ा एक्सपेंसिव पेन था, वो पेन तक निकाल लिया यार, पेन से कोई क्या करेगा बेचारा। ऐसी एक और है मेरे जानने वाले, उन्होंने सेम मेरे साथ ही ली थी ईवी, यही ईवी, उनके उसमें से चॉकलेट तक निकाल ली उन्होंने, फिर सर्विस के पैसे जब नहीं दिए तो जो छोड़ने आया था गाड़ी पिक एंड ड्रॉप वाला, तो उसने बताया कि जी वॉशिंग करने वाले ने आपकी चॉकलेट खा ली। यार उनको वो टाइट करना चाहिए उनको यार, और तो क्या छोटा सा, मतलब ये तो मारुति में भी नहीं है यार, हम कुछ भी छोड़ देना मारुति में एज इट इज वापस मिल जाता है। और कोई छोटी मोटी चीज निकलवाते हैं यार, कोई पर्स वगैरह पेन ड्राइव निकलवाते, लाइट कौन निकलवाता है, हेडलाइट निकलवा दी यार मेरी गाड़ी की, वो एलईडी ले जाओ, एलईडी ले जाओ, नहीं तो हमारे यहाँ एलईडी चोरी हो सकती है। ऐसे तो कोई एम्पलीफायर सब वूफर वगैरह लगा के रखे, हाँ कुछ भी गारंटी नहीं होती वहाँ, यही तो बेकार है सर्विस के मामले में तो। किट देते हैं वो भी कह देते कि ले जाओ सर आप, अब मैं शोरूम में नहीं जाता इसी सर्विस कराने, यही बुला लेता हूँ भाई तू ले जा और छोड़ जाइयो, पिक एंड ड्रॉप, पिक एंड ड्रॉप, 8 साल की इसकी वारंटी, कुछ होगा तो मैं उनसे अपने आप वैसे ही निपटूंगा। ए वो है, इनको चलाए जाओ बस, मतलब सर्विस अगर सर्विस सेंटर गया उसी दिन मेरा दिमाग खराब होगा वहां पे जाके। सर्विस सेंटर इसलिए जाते नहीं, पिक एंड ड्रॉप करा लेता हूं, मैंने कहा ले जाओ। ईवी में भी और सब एक ही उसकी नहीं है, दोनों सर्विस सेंटर सेम क्वालिटी के मिले। ईवीज में भी यही हाल है इनका, ऐसे नहीं है कोई प्रीमियम उनको ट्रीट करे कुछ। टाटा वाले कह रहे हैं कि हम शोरूम भी अलग बना रहे हैं और इसकी सर्विस भी अलग कर रहे हैं, मतलब नॉर्मल टाटा आईसी इंजन वालों से अलग कर रहे हैं ये सब कुछ। तब तो कुछ हो सकता है, वरना भाई ऐसे तो इनका सिस्टम थोड़ा सा ऐसा ही है। ये पार्ट चेंज हुए थे, ये बम्पर हो गया, बोनट, फेंडर, और इधर वाला फेंडर भी ये चेंज हुए थे, तो जाहिर सी बात है पेंट होना था, पेंट होके आया ना भाई साहब, मतलब मेरी आज भी गाड़ी में इतने स्क्रैच नहीं है, और पार्ट्स में जितने इस पे स्क्रैच थे, इस पे दाने 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 से थे। मैंने दोबारा बोला, फिर कह रहे कोई नहीं सर हम दोबारा कर देते हैं, मुझे जल्दी थी, फिर भी मैंने कहा चलो दोबारा, दूसरी बार भी पेंट करके आया ना, फिर स्क्रैच 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 से, फिर कह रहे कि जी आप कभी भी ले आना हम कर देंगे जी, कोई बात नहीं, आपको दिखा दूं मैं, छोटे छोटे स्क्रैच इसमें अब भी लग रहे हैं, आप ये देखोगे ना, मतलब नया पेंट होगा और गाड़ी से लोगे ना तब भी स्क्रैच मिलेंगे आपको, पेंट क्वालिटी इतनी खतरनाक है इनकी, पर फिर भी इन्होंने कह दिया कि आप कभी भी ले आना, आप और चला लो इसे, जब लाओगे हम दोबारा पेंट करा देंगे, मतलब जैसे घर में पेंट बन रहा हो इनके, पेंट क्वालिटी बहुत खराब है, भले पेंट बूथ में करते हैं पर ऐसा लगता है रोड साइड में करते हैं, मिट्टी सी आ गई हो, अच्छे से रबिंग नहीं करी, अब रबिंग कई जगह इतने अच्छे से कर दी कि रबिंग का वो जो काला वो सफ़ेद सफ़ेद सा होता है ना, वो छूट ही नहीं रहा। जस्ट टाटा थिंग्स। फिर मुझे अंदर से, क्योंकि एक महीने तक खड़ी रही, सारे दरवाजे खुले हुए थे, अंदर से इतनी गंदी हो गई, मुझे बाहर से धो के दे दी गाड़ी, अंदर से ऐसी रेत में हो रही, पूरा म्यूजिक सिस्टम के पीछे मिट्टी, साइड में मिट्टी, फिर अगले दिन फिर लेके गया मैं, फिर कह रहे जी मतलब कर देते हैं, जो सर्विस एडवाइज़र था ना वो हर चीज़ के लिए हाँ तो कर देता है, करवा देगा, पर एक एक चीज़ बोलनी पड़ेगी कि ये आज आप साफ करवाओ, आज ये पेंट करवाओ, आज ये ऐसे करवाओ। और एक दिक्कत और आई कि इंश्योरेंस इसका मैंने गो डिजिट से लिया था, लिया टाटा शोरूम से ही था, टाटा का ही ऑथराइज था, उन्होंने कहा कि सबसे सस्ता यही पड़ रहा है, उस टाइम लेते टाइम ये होता है कि ये सबसे सस्ता टाटा वाला कोई भी दे दो, गो डिजिट का ले लिया था, तो गो डिजिट का जब मैंने लिया भाई, गो डिजिट का सस्ते के चक्कर में ले तो लिया, पर इतनी खतरनाक इनकी सर्विस क्वालिटी, मतलब 10 दिन में तो सर्विस वाले ने सर्वेयर ने सर्वे करी, फिर कुछ भी अगर एक तार कटी निकल जाए वो दोबारा आता था सर्वे करने, यार फिर से सर्वे करना पड़ेगा, नहीं तो गाड़ी कई बार टोटल लॉस भी हो जाती है, फोन पे ही सर्वे कर लेते हैं लोग, पर वो तो एक एक छोटी छोटी चीज को करने आता था। फिर टाटा वालों ने क्या किया, एक एस्टिमेट बना के भेज दिया कि लगभग इतना खर्चा आएगा, वो सर्वेयर इतना होशियार, उसने एस्टिमेट पे ही वो डीओ बनवा दिया और एस्टिमेट से ज्यादा का बिल आया, तो वो ज्यादा का जो भरना पड़ा वो मुझे भरना पड़ा। अब मैंने शोरूम से जाके बोला है, अब गलती इसमें शोरूम की भी है कि एस्टिमेट पे क्यों ले लिए डीओ, और इंश्योरेंस कंपनी की भी है, तो वो ये कह रहे हैं कि सर पैसे वापस मत लो, आपके अगर 4-5 हज़ार फालतू लगे ना, हम आपको 10 हज़ार का फायदा दे देंगे, आप कोई बात नहीं कर देख लो, इस तरीके से कर रहे हैं। और एक चीज बताओ भाई, 2-3 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा पड़े हैं, तो कह रहे जी आप जब तक सर्विस, अब इसकी 1000 रुपये की सर्विस होती है, मैं कब तक उन्हें सर्विस में कटवाता रहूंगा। अच्छा इसका उस पर कैसे डिपेंड करता है भाई, फाइल चार्ज कितना लगेगा इसके ऊपर? इसका फिक्स है 2000 रुपये, ईवी कोई सी भी हो, कोई सी भी हो, मतलब वो तो आपके इंश्योरेंस पे डिपेंड करता है, आपके पॉलिसी में लिखा रहता है फाइल चार्ज कितना है। गो डिजिट सस्ते के चक्कर में ले तो लेते हैं, पर उसके सर्वेयर को कुछ पता ही नहीं है, 4 दिन की हफ्ते में छुट्टी होती है उसकी, आता नहीं है, छोटी, अब गाड़ी अंदर तक डैमेज है, उसने बस ये बोल दिया कि ये बार बार की चीज़ें चेंज कर दो,
अब अंदर की कोई चीज निकली फिर वो सर्वेयर आएगा फिर मतलब ऐसा लग रहा था जैसे सर्वेयर के घर से पैसे जा रहे हो इसको ठीक कराने में। उसमें 140 पे कैपिंग है, 140 से ऊपर भागती नहीं है, बाकी ब्रेकिंग अच्छी है, चारों डिस्क ब्रेक दे दी है, क्वालिटी इश्यूज ही है बस और कुछ तो है। वैसे बढ़िया गाड़ी, वैसे बढ़िया गाड़ी, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको डिस्काउंट में मिल रही है ना तो ले लो आंख बंद करके। सर्विस भी इसमें कुछ नहीं है, वही तो चेंज होता है, बस एक एसी फिल्टर चेंज होता है, एयर फिल्टर और एसी फिल्टर, और अपडेट होती है वो तो कर ही देंगे आप कि कहीं ना कहीं शहर में अच्छा होगा। हाँ। शोरूम टू शोरूम भी वेरी करता है, ऐसा नहीं कि सारी टाटा के बेकार है, शोरूम टू शोरूम भी वेरी करता है। चलो भाई बहुत बहुत धन्यवाद अपना पूरा एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। भाई ये था भाई का नेक्सॉन ईवी का एक्सपीरियंस, वीडियो देखने लगा बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।